Hey guys, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to Creativity with Isma. So guys, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत इजी भी है और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत डिसेंट लगता है. तो इसके मेजरमेंट ले लेते हैं. ऊपर से आपने 3.5 पे निशान लगाना है और नीचे से आप 4 पे निशान लगा लेंगे. इस तरह से मार्किंग कर लेंगे. उसके बाद आप दरमियान से इस तरह से गुलाई करेंगे और नीचे से 2 इंचेस मज़ीद आप निशान लगाएंगे लाइक दिस. और उसके बाद एक एक इंच बढ़ा के इस तरह से निशान बना लेंगे. उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे. नेकलाइन कटिंग हो चुकी है. आप इसको आप फोल्ड करके भी देख सकते हैं. आपको आइडिया हो जाएगा इसकी कटिंग किस तरह से है. आप इसको माइंड में रख लीजिएगा. इसके दरमियान में ये जो एजेस हैं इनको आप इस तरह से कट लगा के सेपरेट कर सकते हैं. और इस तरह से आप फोल्ड करके अगेन इसके जो एजेस हैं उनको इस तरह से कट लगाएंगे ताकि बाद में जब आप इसे स्टफ़ के ऊपर पेस करें तो इसको सीधा करने में मुश्किल ना आए. अब इस कट किए हुए गले को हम अपने स्टफ़ के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन से. उसके बाद ये हमारी नेक लाइन है और इसके ऊपर हमें उसको इस तरह से रखना है. मैं कपड़े के साथ पेस्ट करने के बाद कपड़े को साइड से एक्स्ट्रा कट कर चुकी हूँ और दरमियान से मैंने निशानात इसलिए बनाए हैं ताकि दरमियान में इजीली सेट हो सके. और उसको कॉमन पिन से इस तरह से आप सेट कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह पे रहे और बहुत ही सफाई से नेक लाइन स्टिच हो सके. और इस सिलाई को आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है. और ये जो एजेस हैं इनके ऊपर आपने बहुत एहतियात से स्टिचिंग लगानी है. अब सिलाई करने के बाद दरमियान में ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है उसको कट करके हम इस तरह से अलहदा कर देंगे और आप इस तरह से अपने बुकरम को अंदर की तरफ मोड़ देंगे. इसकी एजेस को आप कोई भी नुकीली चीज़ लेकर इसकी एजेस बहुत अच्छे से शार्प कर लीजिएगा. और इस तरह से फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ के एक एक सिलाई दे दीजिएगा. उसके बाद हम यहाँ पे अपने नेकलाइन के अंदर ये गोल सा बटन या फिर कोई भी पर्ल यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं ये पर्ल लगाऊंगी और ये पर्ल लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगेगा. इस पर्ल को लगाने के बाद मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि हम इस राउंड नेक में मज़ीद छोटे छोटे पर्ल्स को ऐड करते हैं. अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी. बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और ख़ूबसूरत लगता है. ओके व्यूज़, तो यहाँ पर मैंने पर्ल्स को बिल्कुल मैंने स्मॉल साइज़ के पर्ल्स लिए हैं. इनको 3-3 करके इस तरह से बराबर वक्फे से इनको लगा लिया है और आप इस तरह से इसकी लुक बहुत अच्छी लगेगी. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.